हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के विरुद्ध ऑपरेशन नेगेटिव के तहत शहर में लोगों को किया जागरूक। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के निर्देशों पर जिला प्रशासन तत्वावधान में जिले भर में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से ऑपरेशन नेगेटिव संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर में नर्सिंग छात्र छात्राओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा द्वारा दुकानों, ऑटो, बैंक के विभिन्न एटीएम स्थानों पर जागरूकता संबंधी फ्लैग्स प्रदर्शित किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि कोरोना को लेकर अभी लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, 6 फुट की दूरी बनाए रखने तथा बार बार साबुन से हाथ धोना आवश्यक है। अभियान के तहत शहरों में 10 टीमों का गठन कर उनके माध्यम से दुकानों पर दुकानदार अंकल जो मास्क न लगाए वो खाली हाथ वापस आए, ऑटो वाले अंकल जो मास्क न लगाए उसे बिल्कुल न बैठे, गार्ड अंकल जो मास्क ना लगाए उसे घर भेजा जाए, जैसे स्लोगन वाले फ्लैग्स को समुचित स्थानों पर प्रदर्शित किए गए। जागरूकता टीमों द्वारा दुकानदारों, ऑटो चालक व एटीएम पर नियोजित गार्ड से संपर्क कर उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी तथा कोरोना रोकथाम के लिए सहयोग देने की अपील की। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन नेगेटिव के तहत शहर में जल चक्की चौराहा, लंगोट चौराहा, बांडिया वाला कोयट चौराहा, बस स्टैंड कांकोरली, मुखर्जी चौराहा, धोइंदा चौराहा, टीवीएस चौराहा, राजनगर बस स्टैंड, फवारा चौक, सनवार चौराहा पर जागरूकता टीमों का नियोजन किया गया, जो दिन भर अपने अपने क्षेत्र में लोगों से संपर्क कर उन्हें कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने के लिए समझाइश की। एपिडेमियोलॉजिस्ट हरीश कुमार पलासिया इन टीमों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने जानकारी दी कि विभाग द्वारा प्रतिदिन बड़ी संख्या में सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जिस भी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण खांसी, सर्दी, जुकाम व बुखार, शरीर में दर्द, गले में खराश हो उनको नजदीकी चिकित्सा संस्था पर जाकर कोरोना जांच करवानी चाहिए, जिससे कोरोना का उपचार किया जा सके तथा संक्रमण को रोका जा सके। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।